भारत सरकार ला रही नया टेलीकॉम बिल, बिल लागू होते ही बदल जाएंगे कई नियम, क्या व्हाट्सएप कॉलिंग के देने होंगे पैसे। भारत सरकार एक ऐसा नया बिल लाने जा रही है जिसके लागू होने के बाद से आपकी जिंदगी और आपकी जेब दोनों पर ठीक ठाक असर पड़ने जा रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, केंद्र सरकार इसी साल यानी 2022 में टेलीकॉम इंडस्ट्री में कुछ बड़े बदलाव करने जा रही है। ये वही इंडस्ट्री है जिसके माध्यम से आप फोन पर बात व मैसेजेस जैसी चीजें करते हैं। अब चूंकि आज की तारीख में हर शख्स के पास स्मार्टफोन है, लगभग सभी के पास जियो का सिम कार्ड है, तो कम पैसों में आपको रोज का 1.5 GB डेटा मिलता है। ऐसे में इंटरनेट का इस्तेमाल देश दुनिया में व्यापक स्तर पर होता है। अब भारत सरकार के मुताबिक इस इंडस्ट्री में समय के साथ साथ कुछ बदलाव करने की भी आवश्यकता है। इसके लिए भारत सरकार नया टेलीकॉम बिल 2022 लाने जा रही है, जिसका ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है। इसके लागू होने के बाद से व्हाट्सएप, जूम और गूगल ड्यू जैसी बड़ी कंपनियों को देश में कॉलिंग और मैसेजेस सर्विसेज देने के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, अब उन्हें लाइसेंस लेने के बाद ही काम करने की अनुमति मिलेगी। इसके चलते ये बहुत हद तक संभव है कि आपको इंटरनेट कॉलिंग यानी जैसे कि व्हाट्सएप कॉलिंग, गूगल ड्यू कॉलिंग, इसके लिए पैसे चुकाने होंगे। इस बिल को तैयार करके लागू करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कई बार कारोबारी वातावरण, टेक्नोलॉजी बदलाव और अन्य कारणों के चलते टेलीकॉम इंडस्ट्री कई अलग अलग फेज से गुजर चुकी है। ऐसे में इस इंडस्ट्री के रीस्ट्रक्चरिंग की बेहद जरूरत है। इसमें नए बिल से मदद मिलेगी। अगर रीस्ट्रक्चरिंग होती है तो इससे कई बदलाव होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें ये जिम्मा दिया है कि भारत का डिजिटल लीगल फ्रेमवर्क ग्लोबल बेंचमार्क पर होना चाहिए। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया में जहां सबसे अच्छा फ्रेमवर्क हो हम वहां की कॉपी करें। ये एक बहुत बड़ा कदम होगा, खास करके टेलीकॉम इंडस्ट्री में, लेकिन ये करना असंभव नहीं है। ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 के मुताबिक व्हाट्सएप, जूम और गूगल ड्यू जैसी बड़ी कंपनियों को देश में कॉलिंग और मैसेजिंग बिजनेस रन करने के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत होगी। इस बिल का ड्राफ्ट सभी के लिए दूर संचार विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके साथ ही विभाग ने बिल पर इंडस्ट्री के सुझाव भी मांगे हैं। अगर बिल पास होता है तो कई नई चीजें इसमें आगे भी शामिल होंगी। नए ड्राफ्ट बिल में OTT को भी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में शामिल कर लिया गया है। बिल में सरकार ने टेलीकॉम और इंटरनेट सर्विसेज कंपनियों की फीस माफी और पेनाल्टी को भी शामिल किया है। इसके अलावा मंत्रालय ने टेलीकॉम और इंटरनेट कंपनियों के लाइसेंस सरेंडर करने पर फीस रिफंड की भी व्यवस्था की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगले 25 साल की अवधि विकास की होगी। इसके लिए निवेश प्राइमरी टूल होंगे, साथ ही मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में नियमों और संशोधन को आसान करने पर फोकस किया जाएगा। ऐसे और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।